स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में, मैं आपके साथ नेहा वर्मा। करनाल में अचानक शहीद मदन लाल ढींगड़ा की प्रतिमा से जुड़ा एक मामला जोर पकड़ता जा रहा है। आपको ध्यान दिला दें कि करनाल के सेक्टर 12 चौक पर शहीद मदन लाल ढींगड़ा की एक प्रतिमा कुछ साल पहले स्थापित की गई थी, जिसका अनावरण करने तत्काल मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद पहुंचे थे, लेकिन एक दिन अचानक प्रतिमा गायब हो जाती है। अगले ही दिन कुछ समाज सेवी इस घटना को लेकर बवाल खड़ा कर देते हैं। हालांकि यह बवाल आज भी जारी है, हालांकि इस मामले को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। करनाल में भाजपा के नेता मौखिक तौर पर यह कह रहे हैं कि शहीद मदन लाल ढींगड़ा की प्रतिमा करनाल के नए बस अड्डे पर स्थानांतरित की जा रही है, लेकिन फिलहाल भाजपा नेता कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है। आखिर उनकी घबराहट क्यों है, यह तो भाजपा के नेता ही बता पाएंगे। समाचार एक्सप्रेस ने कुछ भाजपा नेताओं को कैमरे पर आने के लिए भी कहा, लेकिन उन्होंने खुद को व्यस्त बताया। जाहिर सी बात है कि सीएम सिटी करनाल में शहीद मदन लाल ढींगड़ा की प्रतिमा के उखड़ जाने के मुद्दे पर वह फिलहाल सामने आने को तैयार नहीं है। अब इस मामले में आखिर सच्चाई है क्या? हालांकि यह भी सच है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुछ समय पहले करनाल के नए बस अड्डे का नामकरण शहीद मदन लाल ढींगड़ा के नाम पर कर दिया था। इसे लेकर लोगों ने खुशी भी जाहिर की थी, लेकिन जब से सेक्टर 12 के शहीद मदन लाल ढींगड़ा पार्क से प्रशासन द्वारा प्रतिमा को वहां से उखाड़ा गया है, तो इसके विरोध में अब एक समिति आ खड़ी हुई है। शहीद मदन लाल ढींगड़ा के नाम से बनी यह समिति अब इस बात का विरोध कर रही है कि यदि बस अड्डे पर प्रतिमा को स्थापित किया ही जाना है, तो फिर यहां से शहीद मदन लाल ढींगड़ा की प्रतिमा आखिर उखाड़ी क्यों गई। इस मामले में यह समिति एसडीएम के मार्फत करनाल के डीसी को ज्ञापन पत्र भी सौंप चुकी है। मंगलवार को यह ज्ञापन पत्र विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को भी सौंपे गए हैं। समाचार एक्सप्रेस भी इस पड़ताल में जुट गया कि आखिर माजरा है क्या। पहले आपको ले चलते हैं समिति के सदस्यों के पास कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। देखिए इस पर समाचार एक्सप्रेस के चीफ एडिटर हरीश चावला की यह एक खास रिपोर्ट। संघर्ष समिति के सदस्य हमें मिले हैं, भाई दुष्यंत चौटाला जी के नाम इन्होंने एक ज्ञापन दिया है राष्ट्रीय महासचिव हरीश शर्मा जी के द्वारा। शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी की संघर्ष समिति का जो भी मेमोरेंडम में जो भी बातें लिखी गई हैं, हम दुष्यंत चौटाला जी तक पहुंचाकर इनका हर संभव प्रयास करेंगे कि इनकी मांगों को माना जाए। धन्यवाद। श्री शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी की जो समिति बनी है संघर्ष समिति, उनके प्रधान मेहताब जी और उनके सभी साथी राणा जी, बसंत जी और सिंह साहब सारे इकट्ठे होकर आए हैं। ये भाई अभय सिंह जी चौटाला को ज्ञापन देना चाहते हैं। जो ये 12 सेक्टर चौक पर शहीद मदन लाल जी ढींगड़ा जी की प्रतिमा लगी हुई थी, वहाँ एक पार्क बना हुआ था, वहाँ से शासन या प्रशासन जिसने भी वहाँ से वो मूर्ति हटाई है, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। शहीद हमेशा समाज की धरोहर होते हैं, शहीद की कोई जात या कोई वो नहीं होती, शहीद समाज के सबके होते हैं, और किसी भी शहीद की प्रतिमा कहीं से भी हटाना ये अपने आप में बहुत निंदनीय कार्य है। मैं इन साथियों को एक आश्वस्त करता हूं, मैं इनका जो ज्ञापन है माननीय अभय सिंह चौटाला जी तक पहुंचाऊंगा और उनसे निवेदन करूंगा इस विषय को विधानसभा में भी, सड़क में भी, जहां वो उचित समझे वहां उठाएं। और मेरी सरकार से भी यह मांग है कि सत्ता के नशा में इतने चूर ना हो कि शहीदों का अपमान करना शुरू करना कर दें। उन्होंने शहर में कोई काम तो किया नहीं और शहीदों की प्रतिमा उखाड़ने को लगे हैं, ये पता लगता है भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा और उनकी सोच कैसी है। ये बिल्कुल निंदनीय है, समाज का हर वर्ग इसकी निंदा कर रहा है और हम भी इसकी निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कड़े शब्दों में कि मूर्ति को वहीं पुनर्स्थापित किया जाए और सूर्य समाज से और अपने शहर से शासन और प्रशासन दोनों को माफी मांगनी चाहिए। आज यहाँ अमर शहीद श्री हमारे ढींगड़ा साहब मदनलाल जी, जो इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, इस देश की आबो हवा
फिरंगियों से बचाने के लिए अपने अल्पायु में अपने जीवन को कुर्बान कर गए। करनाल में पिछली सरकारों ने आम जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सेक्टर 12 पेट्रोल पंप के पास उनकी यादगार को कायम रखते हुए उनकी कुर्बानी को मेहनत को उनके बलिदान को मान सम्मान करते हुए सेक्टर 12 के पास शहीद मदनलाल डिंगरा के नाम से पार्क का निर्माण करवाया था। जिला करनाल का आम जनमानस की भावनाएं आदरणीय अमर शहीद मदनलाल डिंगरा जी के उस पार्क से उस प्रतिमा से जुड़ी हुई है। शहीद भगवान का स्वरूप होता है और शहीद ऐसा कभी देखने में नहीं आया हम कि एक शहीद की प्रतिमा दूसरी जगह ट्रांसफर की जाए तो उसको उखाड़ के दूसरी जगह ले जाया जाए। हमारी मांग ये है कि शहीद भगवान का दर्जा रखते हैं और प्रतिमा वो भगवान स्वरूप होते हैं। अगर नमस्कार, मैं हूँ हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। शहीद मदन लाल ठींगड़ा की जो मूर्ति कुछ दिन पहले सेक्टर 12 चौक से उतारी गई प्रशासन या सरकार द्वारा, अब वो एक ना मुद्दे का एक बड़ा रूप ले रही है और इस मुद्दे के तहत जो शहीद मदनलाल स्मारक समिति है वो आज कई नेताओं को आज ज्ञापन सौंप के आई है और अभी ये पहुंचे हुए हैं कांग्रेस नेता वीरेंद्र राठौर के घर जहां इन्होंने थोड़ी देर पहले अब ज्ञापन सौंपा है। अब हम इनसे पूछेंगे कि आखिर इनका मकसद क्या है। सर, आपकी समिति का नाम? हमारी समिति का नाम है श्री मदनलाल डिंगरा संघर्ष समिति। हाँ जी सर। सरदार जी, मैं पूछना चाहूँगा आखिर किस मुद्दे तो तुसी अग्गे हो रहे हो? सर, सब तो पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब जी का तय दिलों धन्यवाद करना चाहवागा कि उन्होंने नवे बस स्टैंड का नाम श्री मदन लाल डिंगरा जी जिहड़े शहीद ने साडे उन्हां दे नाम तो रखिया, इस लई साडा सारिआं दा उन्हां नूं धन्नवाद है। दूजी मुद्दे की गल ते आउने आ, मुद्दा साडा इस गल दा है कि अगर उत्थे मूर्ति लगनी सी तो वह मूर्ति नवी भी बनाई जा सकती सी चंद रुपए ला के। इन्नी की नौबत आ गई कि सैक्टर 13 दे विचों मूर्ति सानूं पट के उत्थे लाणी पई। ठीक है जी, जदों एक शहीद की स्मारक बन चुकी है वह शहीद की स्मारक नूं पट्टना यह बड़ी निंदा वाली गल है। ये समाज लिए साडे हिंदुस्तान लिए उन्हें शहीदी दिती है। उन्होंने लॉर्ड करजन गोली मारी सी जिहड़ा वायसराय ऑफ इंडिया सी, उहदियां गलत नीतियां ते क्रूरता दे चलते पूरा हिंदुस्तान दे विच हाहाकार मची सी। उन्हें 5 गोलियां मार के ते उहदी हत्या की। और एक चीज़ वेखन वाली आ है कि 23 जुलाई नूं उन्होंने फांसी की सज़ा होंदी है ट्रायल दे दौरान, उस 23 जुलाई नूं ये मूर्ति पट्टी जाती है। इदू वड्डी शर्मनाक साडे प्रशासन वास्ते या जिन्ना भी यह काम किया इदू वड्डी शर्मनाक कोई गल ते निंदा वाली गल नहीं हो सकती। साडी इक्को मंग है प्रशासन तो सरकार तो कि उन्हां दी मूर्ति जिवें है सी उवें दी उवें उत्थे दुबारा ला दित्ती जाए, ते असी सिर्फ साडी आई मंग है जी उन्हां तों। मेहताब जी, अज किनू किनू ज्ञापन पत्र भेजा है? अगर अज दे क्या तो कल भी या परसों किसी नूं भी दित्ता सी? कल असी डीसी साहब नूं विज्ञापन दित्ता सी जी। मिले सी डीसी साहब? नहीं, खुद नहीं सन मिले जी, SDM साहब मिले हैं सानू। हाँ जी, तो उन्होंने थ्रू दिता सी, वो सर बिजी सन। हाँ जी, अज असी ओम प्रकाश सलूजा जी दे के आए हैं इनैलो दे। हाँ जी सर, पढ़ाया होर जी असी ब्रिज शर्मा जी दे के आए हैं जे जी। हाँ जी, हाँ जी, बीजेपी के किसी नेता नु सर असी गए मेयर साहब के घर गए सा, वो घर है नहीं, वो आउट ऑफ सिटी ने, तो जगमोहन नाथ जी ने कॉल की सी, वो भी सानू मिल नहीं सके जी। हाँ जी सर, हुण असी इत्थे राठौर साहब के वीरेंद्र राठौर जी के घर आए हैं जी, उन्हां निवास स्थान पर आए हैं उन्होंने अपना ज्ञापन देना। मेहताब जी, सानू ये पता लगा कि इत्थे सरकार जी है दोबारा इनू स्मारक बनाने लगी है, शायद हो सकता है इन्हां दी शायद मूर्ति भी स्थापित कर दी जाए। अगर किसी भी इस कंडीशन या सूरत दे विच मान लो सरकार जी है वो मूर्ति इत्थे नहीं रखती, फिर समिति का किस तरह का संघर्ष? सर, असी संघर्ष शुरू किया है और असी अखीरले दम तक अपना साथ देंगे, संघर्ष में जारी रखांगे। हुण एक गल भी उठ रही है कि उत्थे मशाल लगनी है, साडा सिर्फ आही मुद्दा है ते आही साडा शुरू तो है कि जदों पार्क उन्हां दे नाम तो है उत्थे उन्हां दा स्मारक बना दिता गया, पहलो उन्हां दी मूर्ति स्थापित हुई। ठीक है जी, पूरे नेता आए, टेंट लगे, सारा कुछ होया तरीके दे नाल, ते उन्हूं पट्टन दी लोड़ की पई।
हूँ साड़ी मांग आई है कि उत्थे दोबारा मूर्ति ही लगे, कोई मिसाल ना लाई जाए उत्थे। जी सर, ये जो जो पुट्टी जा रही थी, जो उतारी जा रही थी, हटाई जा रही थी, उस टाइम तुसी भी प्रशासन कहने की नौबत नहीं की, भी रोकने की कोशिश नहीं की भी ना करो? सर पहली गल रात दे अंधेरे च पट्टी गई है। किन्ने बजे सर ये हूँ कोई आइडिया नहीं किन्ने बजे ये हूँ प्रशासन उत्थे कैमरे भी लगे ने सीसीटीवी 12 सैक्टर चौंक से वो चैक कर सकते हैं किन्ने बजे पट्टी गई है, असं एग्जैक्ट नहीं दस सकते किन्ने बजे पट्टी गई है। बाकी अगर उस टाइम सवेरे होंगी तो किसी को पता भी लगता, पर रातों रात की नौबत आ गई कि इन्हों अद्धी रात पट्टनी पई साडा मुद्दा है। आपका क्या नाम है? सर मैं राजकुमार हूँ, मैं अपने शहीद मदन लाल ढींगरा संघर्ष समिति का सदस्य हूँ। और शहीद जो होते हैं सर वो हमारे समाज के देश के धरोहर होते हैं। शहीद की प्रतिमा कहीं ना कहीं एक मंदिर में लगी हुई प्रतिमा होती है, और मंदिर में लगी हुई प्रतिमा और शहीद की प्रतिमा उसको बकायदा मुहूर्त लगा के उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उससे पहले भी जिस भी प्रशासन के अधिकारी हो या किसी विधायक ने या मुख्यमंत्री ने इसको लगाया वो बकायदा मुहूर्त निकाल के उसको प्राण प्रतिष्ठा करवा दी जाती है। सरकार की मंशा, अधिकारियों की मंशा हमें कुछ अच्छी नहीं लगी। उसको एक सभ्य तरीके से, पहली बात तो हमारा करनाल के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने शहीद के नाम को बड़ी ऊंचाइयों तक उनके नाम से करनाल के नेशनल हाईवे पे बनने वाले बस स्टैंड का नामकरण किया है, वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन हम उसके साथ थोड़ा सा इस चीज़ की कमी फील हुई कि सरकार के पास इतना कुछ होने के बाद बजट का क्या ऐसा कमी महसूस हो गई कि शहीद के लिए ये बजट आवंटित नहीं कर सके। मंदिर है सर, शहीद मंदिर के, शहीद का स्मारक मंदिर के होता है। अगर मंदिर आज यहाँ बना है, दूसरी जगह बन रहा है सर, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ की मंदिर मूर्ति उखाड़ के दूसरे मंदिर में ले जाएं। तो ऐसे ही सर शहीदों की मूर्तियाँ, उनके जो हमारे प्रेरणा स्रोत जो उनके भूत हैं, वो जगह जगह लगे हुए हैं, और वो एक की बजाय कितने भी हो सकते हैं, वो तुम्हारी श्रद्धा पे डिपेंड करता है सर। सर पिछले 5 से 6-7 साल से जब से ये लगी हुई है, वो एक स्थल हमारे लिए श्रद्धा का विषय बन गया था। वो निकलते बढ़ते प्रशासनिक कार्यों के लिए हम सचिवालय जाते हैं तो शीश नवा के 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे हमारे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर हम एक भावनात्मक रूप से उस जगह से लगाव हो गया था। जब उस पार्क का नाम जब शहीद मदनलाल ढींगरा जी के नाम से है तो उनकी मूर्ति हटाना ये निंदनीय है। मतलब अपील करता हूँ जिन अधिकारियों ने इस माध्यम से ये गलत कार्य किया है उनके खिलाफ भी सरकार एक्शन ले, और दोबारा से बजट का प्रावधान करके उस जगह पर पूरे मान सम्मान के साथ, पुरानी पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ, पूरे लगन और मुहूर्त के साथ उस शहीद की जो भावना बनी है लोगों के प्रति, वहाँ से दोबारा से उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाए। आपका तो यही रोष है ना, यही नाराजगी है ना, भी ये मूर्ति क्यों खड़ी? मूर्ति की सर बिल्कुल ठीक है, यही मांग है ना सरकार से कि मूर्ति दोबारा सर। और ये गलत परंपरा हो जाएगी सर, और भी मूर्तियाँ हैं, कल कोई प्रशासन अपनी सुविधा के लिए या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कल को उनको भी उखाड़ के कहीं एक परंपरा बन जाएगी, ये उदाहरण दिया जाना लगेगा कि वो मदनलाल ढींगरा जी की, शहीद जी की मूर्ति वहाँ उखाड़ गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रोसेस है, होता रहता है, ये एक परंपरा बन जाएगी जो हमारे महापुरुषों की जो मूर्तियाँ हैं उनके साथ खिलवाड़ होगा, उनके प्रति हमारी श्रद्धा में कमी होगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और इस समय हम मौजूद हैं करनाल के नए बस अड्डे पर जो बलड़ी बाईपास चौक पर स्थित है, और यहां जिट रोड आपको पता ही है साथ लगता है, और अभी तो खैर कोरोना काल है, बसें अभी थोड़ी कम हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है बसों में 52 सवारियां भरने का आदेश दे दिया गया है, और करनाल में अब भी बस स्टैंड पर कई बसें मौजूद हैं, लेकिन हमारा आने का यहां जो प्रायोजन था वो बसें देखना नहीं है, बस स्टैंड की व्यवस्था भी देखना नहीं है। फिलहाल हम आए हैं शहीद मदनलाल ढींगरा की प्रतिमा जहां स्थापित की जानी है उस स्थल पर खड़े हैं। मैं अपने कैमरामैन सनी चौधरी को कहूंगा कि वो अब अपना कैमरा उस तरफ मोड़ दें जहां निर्माण कार्य चल रहा है। देख लीजिए मिस्त्री लगे हुए हैं, मज़दूर लगे हुए हैं, और हमने इनसे जानकारी ली है और इनका कहना है कि ये 3 दिन में इन्होंने तैयार करके देना है, यानी कि जन्माष्टमी के बाद 15 अगस्त आएगा और 15 अगस्त के बाद शायद 17 अगस्त को प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां जो स्थापित की जाने वाली है प्रतिमा शहीद मदनलाल ढींगरा की, उसका अनावरण कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
अब आपको या आपको बता दें कि सेक्टर 12 में यह शहीद मदन लाल ढींगड़ा की जो प्रतिमा वहां से उखाड़ी गई थी उसे अब यहां स्थापित किए जाने की का काम चल रहा है। मिस्त्री लगे हुए हैं और ये पत्थर नीचे का लग चुका है और सीढ़ियां बनकर तैयार हो गई हैं और ऊपर का जो हिस्सा रखा गया है वहाँ पर उस प्रतिमा को स्थापित किया जाना है। बताया यह भी जा रहा है कि यहाँ उनकी शहीद मदन लाल ढींगड़ा की जीवनी का उल्लेख भी यहाँ किया जाएगा ताकि बस अड्डे पर आने जाने वाले यात्रियों को पता लगे। और चूंकि आपको पता ही है कि करनाल का जो जिट रोड है, करनाल का ये जो बस अड्डा है, ये जो है हरियाणा के बीचों बीच पड़ता है और यहाँ लगभग दिल्ली से, पंजाब से, हिमाचल से जो यात्री आते हैं, जो यहाँ से गुजरते हैं, वो यहीं करनाल से होकर गुजरते हैं। सबसे बड़ी बात है कि चंडीगढ़ हो या दिल्ली की बसें, यहाँ निर्देश हैं कि यहाँ जो है हर बस यहाँ रुक कर जाएगी। ये सबसे बड़ी सुविधा करनाल के लोगों को जरूर मिली है। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जो पीछे जो हैं वो लेडीज़ टॉयलेट है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये महिलाओं के लिए लेडीज़ टॉयलेट बनाया गया है। अब ये टॉयलेट के साथ इसे स्थापित किया जाना इसे उचित नहीं समझा जा रहा हमारी तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बसों का शोर रहता है और यहाँ धुआं भी बहुत ज़्यादा होता है और इससे जो प्रतिमा स्थापित होगी उस पर निश्चित तौर पर प्रतिमा पर असर जरूर पड़ेगा। हालांकि बस स्टैंड, करनाल का बस स्टैंड बहुत बड़ा है, यहाँ पे ऐसी काफ़ी जगह हैं जहाँ इस मूर्ति को स्थापित किया जा सकता था, लेकिन प्रशासन ने इसे चयनित किया है। अब ये प्रशासन इस बताएगा कि यहाँ स्थापित किए जाए, ये जो जगह चयनित की है भी यहाँ पे क्या लाभ हो सकता है। मुझे जो ये लाभ नज़र आ रहा है प्रशासन द्वारा, सबसे मुख्य जो बात है ये देखी गई होगी कि बसें इस तरफ रुकती हैं। हालांकि करनाल का जो बस स्टैंड है, जो पीछे जो जिसपे शहीद मदन लाल ढींगड़ा बस स्टैंड करनाल जो अंकित है, वो पिछली तरफ है, इस तरफ नहीं है। ये बस स्टैंड का पिछला हिस्सा है जहाँ पे बसें, सभी तरह की बसें रुकती हैं, यात्री रुकते हैं और यहाँ कैंटीन है पीछे और यात्री जो है यहाँ अक्सर, जो मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ आमतौर पर जो अम्बाला से जो बसें आती हैं या दिल्ली से बसें आती हैं उनकी ब्रेक यहीं लगती है, यहाँ पर खड़ी होती हैं, वो 5 या 7 मिनट यहाँ स्टार्ट रहती हैं इसी जगह पर और उसके बाद यहाँ से बाहर निकल जाती हैं। ये जो सड़क जा रही है ये बाहर के लिए है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली बसें यहीं रुकती हैं जहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ, क्योंकि मैं भी कई बार बसों में आ चुका हूँ और यहाँ बसें मोस्टली यहाँ खड़ी होती हैं और फिर वो करनाल की और दिल्ली की ओर निकल जाती हैं। और उसके साथ ही प्रतिमा का स्थल है जो चयनित किया गया है वो बिल्कुल साथ है, यानी कि एक बात तो तय है कि जब यहाँ बसें खड़ी होंगी उनमें से काला धुआं उगलेगी डीजल का, वो इस प्रतिमा पर, इस पर असर 100% पड़ेगा, क्योंकि धुआं बहुत काला होता है और आपको पता ही है कि डीजल का जो धुआं होता है वो बेहद काला होता है और जल्दी जो है किसी वाइट चीज़ पर चिपकता है। तो हमारा दिखाने का प्रयास ये था सबसे पहले कि जिस जगह को लेकर बवाल, हालांकि करनाल के लोगों का ये भी कहना है, चाहे विपक्ष हो या जो सामाजिक संस्थाएँ हों, वह समिति के लोग जो इस समय ज्ञापन पत्र दे रहे हैं, DC को ज्ञापन पत्र सौंप चुके हैं और विभिन्न दलों को जो ज्ञापन पत्र सौंपे जा चुके हैं, उनका भी यही कहना है कि अगर करनाल के बस अड्डे का नामकरण शहीद मदन लाल ढींगड़ा के नाम पर होते तो यह मुख्यमंत्री की उदारता है, इसलिए वह उनका धन्यवाद भी करते हैं। प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई अच्छी बात है, लेकिन वहाँ इस प्रतिमा को नहीं उखाड़ा जाना चाहिए था। कैमरामैन सनी चौधरी के साथ हरीश चावला, समाचार एक्सप्रेस, करनाल बस अड्डा, करनाल। नमस्कार, मैं हूँ हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। हम इस समय मौजूद हैं वीरेंद्र राठौर जी, जो ऑल इंडिया कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं और बिहार के प्रभारी भी हैं। अभी थोड़ी देर पहले मदन लाल ढींगड़ा से संबंधित एक समिति कांग्रेस नेता वीरेंद्र राठौर जी को एक ज्ञापन पत्र सौंप के गई है। हम भी इनसे पूछेंगे कि आखिर मुद्दा है क्या। आज क्योंकि एक विपक्ष होने के नाते, कांग्रेस नेता होने के नाते जरूर पूछेंगे कि आखिर ये समिति की तरफ, समिति का कितना साथ देंगे और कांग्रेस क्या चाहती है इस मुद्दे पे, क्योंकि राठौर जी भी करनाल के रहने। तो राठौर जी, आपको समिति के कुछ लोग जो आप भी ज्ञापन सौंप के गए हैं, क्या डिमांड क्या कर रहे हैं? नमस्कार चावला जी, आज शहर के हमारे कुछ नौजवान साथी अमर शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी की समिति के सदस्य, वो लोग आए थे, मुझे मिले थे और वो एक ज्ञापन उन्होंने दिया है जो उन्होंने हर एक राजनीतिक दल को भी सौंपा है और कल मुझे बताया कि उन्होंने ज्ञापन जो है डिप्टी कमिश्नर करनाल को सौंपा है।
तो मैंने उनके ज्ञापन को पढ़ा है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शहीद मदनलाल ढींगरा जी के नाम से पार्क हमारे यहाँ सेक्टर 13 में स्थित था और उनकी प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई थी पिछली सरकार के द्वारा। मौजूदा सरकार ने जो नया बस स्टैंड हमारे करनाल में बना है, लगभग 1.5 वर्ष पहले ये ऐलान कर दिया गया था कि उस बस स्टैंड का नाम मदनलाल ढींगरा जी के नाम से रखा गया है। मैं दिल की गहराई से उनका स्वागत करता हूँ इस कदम का कि शहीद मदनलाल ढींगरा जी के नाम से नया बस स्टैंड करनाल के अंदर बना गया है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जितने बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन मदनलाल ढींगरा जी का फ्रीडम स्ट्रगल में रहा है, ये सब चीज़ें उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के आगे बहुत छोटी हैं। और भी बड़ी चीज़ें उनके नाम से उनकी स्मृति के अंदर यहाँ होनी चाहिए। दुख इस बात का है जो समिति के नौजवान साथियों ने भी अपने मेमोरेंडम में लिखा कि बस स्टैंड के ऊपर एक नई और भव्य प्रतिमा का निर्माण किया जाना चाहिए था, परंतु ऐसा ना करके जो पार्क के अंदर पिछले कई वर्षों से स्थापित उनकी मूर्ति और प्रतिमा थी उसको तोड़ दिया गया और उसको यहाँ से उठा करके बस स्टैंड के ऊपर स्थापित किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये नेशनल इंसल्ट है। दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जहाँ शहीद की प्रतिमा स्थापित हो और उस प्रतिमा को तोड़ करके दूसरी जगह किसी नई संस्थान की स्थापना जहाँ हो रही हो वहाँ पुरानी मूर्ति को लगाया जाने का कोई उदाहरण हमारे देश में नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे हमारे देश के महापुरुष हैं जिनकी मूर्तियाँ हमारे करनाल में लगी हुई हैं। अम्बेडकर जी की मूर्ति हम सब के लिए पूजनीय है, वो हमारे करनाल में कमेटी चौक के ऊपर लगी हुई है। महात्मा गांधी जी की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, राजीव गांधी जी की मूर्ति लगी है और अन्य महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी हुई। कल को कोई बड़ी संस्थान किसी महापुरुष के नाम से हम करनाल में स्थापित करने जाएंगे तो क्या जो पुरानी लगी हुई मूर्तियाँ हैं उनको वहाँ से तोड़ करके वहाँ स्थापित करेंगे? गांधी जी की मूर्ति और अम्बेडकर जी की मूर्ति साथ साथ लगी हुई है। कल को अगर मान लीजिए बड़ा संस्थान अम्बेडकर जी के नाम से आए तो क्या ये सही होगा कि उनकी मूर्ति को तोड़ करके उस संस्थान पे लगाया जाए? सरकार को जो हमारे महापुरुष हैं, जो शहीद हैं, उनके प्रति सम्मान जो है वो निश्चित रूप से रखना चाहिए और नए संस्थान के ऊपर नई मूर्तियों की स्थापना की जानी चाहिए। मूर्ति की स्थापना का उद्देश्य होता है जो आने वाली पीढ़ी को इंस्पिरेशंस देती रहे। अंबेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया, वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। गांधी जी ने फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई, वो सब देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अमर शहीद मदनलाल ढींगरा जी ने वॉइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन को 5 गोलियां मार करके उनको ख़त्म किया था और उसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और असल में तो उसके बाद ही आज़ादी की लड़ाई उनके इस एक्शन के बाद एकदम से जोर पकड़ी थी। मदनलाल ढींगरा जी की एक परीक्षा भी ली गई जी, जो हिस्टोरिकल जो हिस्टोरियंस उनके बारे में लिखते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने और भगत सिंह जी ने उनकी परीक्षा भी पहले ली और उनके हाथ पर चाकू मार करके परीक्षा ली गई थी और उन्होंने कहा था कि मैं फ्रीडम स्ट्रगल के लिए हर वो कदम उठाऊंगा जो अपनी जान पर भी खेल के जाऊंगा, और वो अपनी बात में पूरे उतरे। वो इंग्लैंड गए और लॉर्ड कर्जन को वहाँ उन्होंने ख़त्म किया और लॉर्ड कर्जन की बर्बरता के सबूत हिंदुस्तान की जनता के ऊपर लगातार बड़े स्तर के ऊपर उन्होंने बर्बरता देश के और भारतवासियों पर की थी। तो किसी भी कीमत से अमर शहीद मदनलाल ढींगरा जी की रेपुटेशन को, उनके नाम को कम नहीं किया जाना चाहिए। तो मेरी इस मेमोरेंडम में जो नौजवानों ने मांग की है, इनकी मुख्य मांग ये है कि सरकार का वो स्वागत भी कर रहे हैं कि मदनलाल ढींगरा जी के नाम से बस स्टैंड स्थापित हुआ है और ये मूर्ति उतार करके यहाँ से वहाँ बस स्टैंड पे शिफ्ट किया, हालांकि कदम गलत है परंतु वो कर दिया गया है। तो कम से कम सरकार को संवेदना रखते हुए और उनके नाम को जो खंडित हुआ है नाम उनका, उसको वापस रिस्टोर करने के लिए इस मेमोरेंडम में ये रिक्वेस्ट की गई है
कि इस पार्क के अंदर दोबारा उनकी मूर्ति की स्थापना हो, जो मुझे लगता है कि समिति की मांग जायज़ है। नौजवान जो हैं वो एक मदनलाल ढींगरा जी को रोल मॉडल समझते हैं और मैं समझता हूं कि उनका ये बात रखना, और मुझे खुशी है कि शहर के नौजवान कम से कम फ्रीडम फाइटर्स के प्रति उनकी भावना है और उन्होंने ये कदम उठाया है, मैं उनके कदम का स्वागत करता हूँ। और सरकार से भी अपील करता हूँ कि शहीद मदनलाल ढींगरा पार्क में पुनः नई मूर्ति की स्थापना मदनलाल ढींगरा जी की जाए। और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से बात करने की, तो मैं निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री हरियाणा को अपनी तरफ से पत्र लिख कर के स्थिति से अवगत कराऊंगा और उनसे निवेदन भी करूंगा कि वो इसे एक राष्ट्रीय सम्मान का मुद्दा मानते हुए बात मानते हुए और प्रशासन को निर्देश दें कि इस पार्क के अंदर पुनः मदनलाल ढींगरा जी की मूर्ति स्थापित हो। ये आपको क्या लगता है इस प्रकरण पे, जैसे अब समिति के कुछ लोग यही कह रहे थे कि ये प्रशासनिक अधिकारियों ने ये कदम रात को उठाया, आपको कुछ है इस बारे में? ये बड़ी मुझे जानकारी मिली थी उस दिन, तो मैं मौके पे गया था कि रात के अंधेरे में 23 जुलाई को प्रतिमा को हटाया गया और कोइंसिडेंस आप देखिए 23 जुलाई ऐसी तारीख थी जिस दिन मदनलाल ढींगरा जी को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और यहाँ के प्रशासन द्वारा 23 जुलाई को ही मूर्ति को यहाँ से उतार दिया गया रात के अंधेरे में। तो सरकार की क्या मंशा थी, क्यों ऐसा कदम उठाया गया, क्या सरकार नई मूर्ति के की स्थापना करने के लिए फंड्स एलोकेट नहीं कर सकती थी, ये एक बहुत विचित्र सी परिस्थिति है जिसका जवाब मिल नहीं पा रहा। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री यहाँ से विधायक हैं, उन्हें इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और फ्रीडम फाइटर्स की जहाँ तक बात हो तो और भी ज़्यादा संवेदनशीलता से हमें हर कदम को उठाना चाहिए। सीएम का गृह क्षेत्र है करनाल, ऐसा तो लगता नहीं है कि ये प्रशासन ने अपने खुद अपनी तरफ से किया होगा, हो सकता है सरकार की तरफ से कोई आदेश हो। देखिए अब प्रशासन हर कदम उठाने से पहले सीएम को इन्फॉर्म करता होगा ज़रूर, क्योंकि वो लोकल विधायक हैं यहाँ से, परंतु ये समझ से परे है कि एक नॉर्मल जिसके अंदर थोड़ी सी भी कॉमन सेंस हो तो वो कभी भी इस प्रकार का कदम नहीं उठाएगा। और अब मेरे लिए ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने इस मामले के अंदर कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया नहीं किया, प्रशासन ने इसके अंदर कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया नहीं किया। अगर ये इंटेंशनल है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और अगर अनइंटेंशनल है तो इसका मतलब है कि कॉमन सेंस की कमी है। तो ये थे वीरेंद्र राठौर जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार प्रभारी भी हैं, साथ बड़े मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, अच्छी पहुंच है इनकी दिल्ली में हाईकमान पर। लेकिन ये भी इस स्थिति को एक बड़ा विचित्र मान रहे हैं कि इन्होंने अभी एक एग्जांपल दिया कि अगर मंदिर में, जैसे समिति के लोग भी कह रहे थे कि मंदिर में किसी भी मूर्ति की स्थापना जब की जाती है तो प्राण प्रतिष्ठा से की जाती है। अब मैं आपको याद भी दिलाता हूँ कि प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इसका खुद उद्घाटन करके गए थे, यानी कि एक मुख्यमंत्री ने मूर्ति स्थापित करवाई थी। पंजाबी समुदाय कह लो या शहीद मदन लाल ढींगरा समिति से जो जुड़े लोगों की मांग पर यहाँ पर मूर्ति रखी हुई थी, इस चौक का नाम भी उन्हीं के नाम पर पड़ा। लेकिन एक मूर्ति को अगर आप बस स्टैंड पे लगाना, उस कदम को भी कांग्रेस नेता अच्छा कदम बता रहे हैं और मुख्यमंत्री का आभार भी जता रहे हैं, अच्छी सोच का प्रचायक है। लेकिन साथ साथ ये कह रहे हैं कि अगर मूर्ति अगर वहाँ लगानी तो दूसरे फंड रेज करके नई मूर्ति वहाँ लगाई जा सकती थी। एक शहीद की प्रतिमा अगर की मूर्ति को वहाँ स्थापित करना तो उसे यहाँ खाड़ने की जरूरत क्या थी? बड़ा विचित्र सवाल है ये। सरकार और प्रशासन कोशिश करेंगे प्रशासन से इसका जवाब मांगने की, भी कोई जवाब निकल कर आए, क्योंकि राठौर साहब भी कह रहे हैं कि इसका जवाब नहीं मिल रहा है। और चूंकि ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है इसलिए ये मुद्दा जो है बड़ा भावुकता में भी बनता जा रहा है और समिति के जो सदस्य हैं उनमें बड़ा गहरा रोष भी है। कैमरामैन सनी चौधरी के साथ हरीश आवला, समाचार एक्सप्रेस करनाल। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।